सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारतीय सिनेमा ने समय समय पर फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया को यह बताने का काम किया है कि बॉलीवुड का मुकाबला और किसी इंडस्ट्री से नहीं की जा सकती। वो इसलिए कि बॉलीवुड ने काल्पनिक कहानियों पर आधारित फिल्मों के साथ साथ हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत पर भी अपने के माध्यम से हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम किया है। महाभारत सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला धारावाहिक है जिसकी साख हमें जीवन का वो सच बताती है जिससे हम अनजान होते हैं। महाभारत में आमतौर पर हर किरदार लोगों को पसंद आया था लेकिन भगवान श्री कृष्ण का महत्व महाभारत में सबसे ऊँचा है। इन्हीं के बदौलत पांडव कौरवों पर विजयी हुए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम तीस भारद्वाज है। इन्होंने श्री कृष्ण का किरदार इस तरह से निभाया था कि लोग इन्हें ही भगवान मानने लगे थे। इनका चेहरा लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि कौन है नीतीश भारद्वाज, कहाँ हुआ था इनका जन्म और अभिनय के क्षेत्र में कैसे कदम जमाया। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद अचानक फिल्मों से गायब होने का क्या कारण था, आज हम आपको इस पर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीतीश भारद्वाज का जन्म 2 जून 1963 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम जनार्दन सिंह उपाध्याय था जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ 60 और 70 के दशक के श्रमिक आंदोलन में जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत करीबी थे और इनकी माता का नाम साधना उपाध्याय था जो पेशे से मुंबई के विल्सन कॉलेज में मराठी साहित्य विभाग की अध्यक्षा थी। नीतीश को बचपन से ही इनकी माँ ने भगवद गीता का ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया था। इनके भाई का नाम राहुल भारद्वाज है। नीतीश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के DGT हाई स्कूल और रॉबर्ट मनी स्कूल से की। इसके बाद BSc विल्सन कॉलेज से 1979 में पूरा किया और 1983 में इन्होंने बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री भी हासिल की और फिर ये मुंबई के एक रेस कोर्स में सहायक पशु चिकित्सक के तौर पर नौकरी करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और फिर मराठी रंगमंच से प्रशिक्षण लेने के साथ साथ सभी कलाओं को सीखने लगी। 1987 तक इन्होंने कई नाटकों में काम किया, इसमें इनका अभिनय सर्वोपरि रहा। नीतीश भारद्वाज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1987 में मराठी फिल्म खाटियाल सासू नथमल से किया था लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके हकदार थे। लेकिन अब शुरू होता है नीतीश के करियर का सबसे चर्चित किरदार जिसकी चर्चा आज भी कम नहीं हुई है। साल 1988 में BR चोपड़ा ने एक टीवी सीरियल की शुरुआत किया था जिसका नाम है महाभारत। महाभारत में नीतीश ने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। नीतीश भारद्वाज ने पहले विदुर की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन इनकी कम उम्र थी और विदुर की भूमिका के लिए ज़्यादा उम्र वाले किसी बूढ़े कलाकार की ज़रूरत थी जिस कारण इन्हें वह किरदार नहीं मिल सका। फिर नीतीश को नकुल और सहदेव की भूमिका के लिए चुना गया तो इन्होंने मना कर दिया और फिर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का किरदार करने का ऑफर मिला तो इन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था लेकिन बाद में इन्होंने इस किरदार को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण के किरदार में नीतीश भारद्वाज एकदम से साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही लगते थे। इनके चेहरे का हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से यह नहीं पता चलता था कि ये अभिनय कर रहे हैं। नीतीश के इस किरदार को चाहे शहर हो या फिर देहात हर जगह से भगवान श्री कृष्ण की तरह पूजा जाने लगा। उस समय भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महाभारत को देखा जाता था। इतनी सफलता मिलने के बाद नीतीश ने BR चोपड़ा के कुछ और सीरियल्स में नजर आए जैसे विष्णु पुराण और साल 2003 में रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका में दिखाई दिए थे। इसमें स्मृति ईरानी ने माता सीता का किरदार निभाया था। महाभारत के बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया लेकिन वो जादू नहीं दिखा सके जो महाभारत में इन्होंने कर दिखाया। जब फिल्में फ्लॉप होने लगी तो नीतीश साल 1995 में भारत छोड़कर लंदन चले गए। वो कुछ दिन रहने के बाद जब भारत आए तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और 1996 में इन्होंने लोकसभा चुनाव बिहार के जमशेदपुर सीट से लड़ा और जीत भी हासिल किया। ये ऐसी सीट थी जहाँ नीतीश पहले कभी गए ही नहीं थे। इसके बाद 1999 में भी इन्होंने मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने राजनीति से दूरी बना लिया। नीतीश भारद्वाज ने 2003 में मराठी फिल्म पितृरान से निर्देशन और लेखन में कदम जमाना शुरू किया लेकिन सफलता इनसे कोसों दूर रही। इनकी लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों मोहितोदारो और केदारनाथ है। केदारनाथ में इन्होंने मुक्कू यानी कि सारा अली खान के पिता का किरदार निभाया था।
जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी हैं। नितीश 2016 में आई फिल्म मोहन जोदड़ो में ऋतिक रोशन के काका की भूमिका में नजर आए थे। साल 1991 में नितीश भारद्वाज मीनाक्षी शेषाद्री एक साथ नाचे नागिन गली गली फिल्म में दिखाई दिए थे, जिसमें नितीश नाग और मीनाक्षी नागिन की भूमिका में दिखे थे। इन्होंने संगीत प्रेम शक्ति जैसे हिट फिल्मों में अभिनय किया है। अगर नितीश भारद्वाज के वैवाहिक जीवन के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने अपनी पहली शादी 27 दिसंबर 1991 को मुनीषा पाटिल के साथ किया था, जिससे एक बेटा आरुष और एक बेटी साइली है। लेकिन 2005 में इनका तलाक हो गया था और फिर इन्होंने 2009 में एक IAS अधिकारी स्मिता गेट से विवाह किया, जिससे दो बेटियां हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके नितीश भारद्वाज के बारे में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।